कि डायबिटीज वाकई जड़ तो खत्म की जा सकती है। यूट्यूब से बड़ी सारी वीडियो इस टॉपिक के उत्ते चल दिया ने, तो तुम जानना चाहते हो कि रिलायबल इनफॉर्मेशन कड़ी है। देखो रिलायबल इनफॉर्मेशन वो होंगी है जिसे पिछले सबूत होंगे तो एविडेंस होंगे, तो मैं एविडेंस एक्सपीरियंस एंड सबूत के बेसिस तुम्हें दस रहा टाइप टू डायबिटीज रिवर्स की जा सकती है। साढ़े को ऑल अराउंड द वर्ल्ड तो क्लाइंट्स ने जिन्होंने अपनी टाइप टू डायबिटीज एंड ईवन टाइप वन डायबिटीज भी जिन्हों कहा जाता है कभी रिवर्स नहीं हो सकती वो भी रिवर्स की ने। साड़ी जी केस स्टडीज़ ने वे वे मेडिकल डॉक्टर्स साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इस तरह के मेडिकल जर्नल्स जिवें कि जर्नल ऑफ साइंसिज ऑफ हीलिंग आउटकम्स पब्लिश हुई ने जिद भी टाइप वन डायबिटीज का रिवर्सल भी दिखाया गया है। इस तो अलावा मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स जिन्होंने टाइप टू डायबिटीज रिवर्स की उन्होंने स्टोरीज अपनी किताबों में भी लिखी ने। इस तो अलावा साड़ी वीडियोज़ जड़िया ने यूट्यूब पर भी पेशेंट्स की तुम देख सकते हो जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ में साड़ी ट्रीटमेंट डाइट के थ्रू ठीक किया। सो हुण मैं अज तुहाडे अगे केस लैके आया कि अगर मान लो एक तो होंगे है कि जे मान लो किसी को डायबिटीज़ हो जाए एक गोली फिर दो गोली फिर कुछ साल बाद चार गोली करते करते इंसुलिन इंजैक्शन फिर होर तरह की बीमारियां कोलेस्ट्रॉल बीपी थायरॉयड चार गोलियां नाल लग जांदियां ने फिर बाद में जाके फिर कैंसर तक गल पहुंच जाती है तो होर बीमारियां वधदियां ही जांदियां ने। एक तो वह रस्ता है। दूजा रस्ता की है जिहड़ा मैं तुहानूं अपने एक पेशेंट की अज कहानी सुनाने लगे हाँ जिन्हां नूं 4 अप्रैल में डॉक्टर लालपत लैब तो टैसट कराया सीगा। 4 अप्रैल में उन्हां दी जिहड़ी HbA1c सीगी वो 9.5 सीगी 9.5% ते जिहड़ा उन्हां दा फास्टिंग शुगर सीगा 241 mg/dL सीगा और एवरेज ग्लूकोज जिहड़ा सीगा 226 mg/dL सीगा। तो उन्होंने जो साढ़े तो ट्रीटमेंट ली तो एक महीने में ही और ये रिपोर्ट जी 25 मई की हैगी नवी रिपोर्ट मैं तुम दस रहा सिर्फ एक 1.5 महीने के ही उन्होंने एवरेज ग्लूकोज पहले 226 और 97 पर आ गया और HbA1c 9.5 तो सगा वो 5 पर आ गया यानी इन्ना ज़्यादा उन्होंने HbA1c और शुगर डिक्रीज हो गया नॉर्मल हो गया कंट्रोल में आ गया। और एक इस तरह होया मैं उन्होंने कोई भी दवाइया नहीं दतिया ना अंग्रेजी दवाइया ना कोई आयुर्वेदिक दवाइया मैं उन्होंने सिर्फ इन्ना दसिया कि जड़िया चीज़ों खाण करके डायबिटीज़ हो सकती है उसनों अपनी डायट में निकाल दो तो जड़िया चीज़ों खाने डायबिटीज़ ठीक करने में मदद मिल सकती है उन्होंने खाना शुरू कर दो। जो जो मैं उन्होंने केस एनालिसिस करके सारी चीज़ा उन्होंने समझाइया उन्होंने प्रॉपरली सारा कुछ फॉलो किया और वह रिजल्ट तुहाडे सामने ही है तो स्क्रीन पर भी रिपोर्टा देख सकते हो। सो इस तरह बेनीफिट मिल जाता है टाइप टू डायबिटीज़ के भी। आओ असी उन्होंने ही वीडियो सुनीए उन्होंने मूहों ही सुनीए कि उन्होंने किवें अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स किया। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम तरनजीत सिंह है, मैं यमुनानगर तो बिलोंग करदा। मेरा ये वीडियो बनाने का परपस ये है क्योंकि मैं तुहाडे नाल अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता तो मैं लगता कि वह कितना कितने बेनीफिशियल होएगी काफ़ी सारिया के लिए। इस रीज़न करके मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रहा। 1.5 महीना पहले 1.5-2 महीने पहले मैं पता लगा कि मैं ना काफ़ी यूरिन पास होने लग गया एंड प्यास बहुत लगन लगी तो मैं लगा कि यार पानी आप ज़्यादा पी रहे हैं मीनस इट्स गुड फॉर हेल्थ राइट बट आई डोंट नो इट्स लीड्स टू मै यू नो मैं डायबिटीज़ सी। तो जो एक दिन मैं चैक की तो आई गॉट जो चैक की तो मेरा डायबिटिक लैवल सगा 400 एंड फिर मैं HbA1c का रिपोर्ट कराया जो चैक कराया तो वह 9.5 जो मैं पता लगा तो बहुत ज़्यादा डाउन फील किया मैं एंड मैं ऐ लगे कि यार ये की हो गया मेरे नाल हूँ मैं सारी उम्र मेडिसिन खानी पेगी तो मैं काफ़ी यू नो मैनू चंगा नहीं फील हो रहा है बहुत मतलब फ्रस्ट्रेटेड जो कह लो लाइफ तो यार आ की हो गया है ना। दैन आई डिस्कस ऑल दिस थिंग्स विद कमलप्रीत डॉक्टर कमलप्रीत दैन डॉक्टर कमलप्रीत सजेस्टिड मी डाइट। मैनू पहला कोई ज़्यादा विश्वास नहीं सी क्योंकि मेरे हाथ च नंबनेस सी थोड़ी पैर च नंबनेस सी और लेजीनेस आई हुई सी काफ़ी बॉडी के अंदर तो इन्होंने डाइट मैनू दिती डॉक्टर कमलप्रीत ने तो डाइट लैन तो बाद जो मैनू विद इन अ वीक ओनली मेरे जिहड़े शुगर लैवल से ना वो कंट्रोल हो गया। मैं तीनों टाइम डायबिटीज़ चैक करता जी फास्टिंग भी लंच तो बाद भी डिनर तो बाद भी और विद इन अ वीक ओनली वो कंट्रोल हो गई और जिस लैवल पर होनी चाहिए सी उस लैवल पर आ गई बिलो 90 बिलो 100 सी फास्टिंग और उसके बाद 110-100 इदा ही चलती गई। मैनू लगा कि यार दैट्स गुड मैं मेडिसिन नहीं खानी हूँ जो भी हो जाए तो 1.5 महीना मेरे नाल इदा ही चलता रहा। मेरा 1 महीने के अंदर अंदर 8 kg वेट लॉस हो गया एंड
मेरी बॉडी काफ़ी एक्टिव हो गई, मैनू ऐं लगता सी जिवें मैं सुत्ता रहिंदा सी, विच विच दिन च वी कई बार सो जांदा हुंदा सी, सुस्ती पा लैंदा हुंदा सी, बट जद दा मैं ट्रीटमेंट ले रहा, मैं मतलब प्लांट बेस्ड डाइट ले रहा, आई एम टू मच एक्टिव, मेरा कोलेस्ट्रोल भी कंट्रोल हो गया एंड मेरे होर भी जिहड़ी बीमारियां सी, मैनू लगता काफ़ी सारी बीमारी मेरी कंट्रोल हो गई। तो डेढ़ क मंथ बाद मैं एच बी एवन सी का टेस्ट कराया, दैन आई वॉज टू हैप्पी बिकोज माई एच बी एवन सी लैवल इज 5 दैट टाइम, एंड जबकि 4 to 5.60 होना चाहिए, डेढ़ मंथ महीने के अंदर अंदर मेरा 5 हो गया, जो कि 3 मंथ की एवरेज शुगर है। राइट नाउ मेरी एवरेज शुगर 97 के अराउंड चल रही है, जो कि 241 आई सी जब मैं फस्ट टाइम कराई सी एवरेज शुगर 3 मंथ्स की। तो मैं तुहानू सारयां नूं यही सुजैसट करना चाहूँगा, लाइफ लॉन्ग मैडिसिन लैन तो अच्छा है असी अपनी डाइट नूं सही करिए, प्लांट बेस्ड डाइट लईए एंड अपने आप नूं क्योर करिए। आई थैंक्स टू डॉक्टर कमरप्रीत फॉर सुजैसटिंग मी अ वेरी गुड डाइट, जिदे करके मैं अज ठीक हो गया। थैंक यू। आई एम श्योर इस वीडियो नूं देख के तुहाडे अंदर भी उम्मीद जागी होएगी कि तुसीं भी अपनी डायबिटीज़ नूं रिवर्स कर सकते हो। इस वीडियो का मकसद यह नहीं है कि तुहानूं मैं दसा कि मेथी दाने का पानी पियो या फिर तुसीं पालक का जूस पियो या तुसीं करेले नूं अपने पैरों नाल रौंद के उहदे विच तुसीं अपना पैर डिप्स करो, मैं इस तरह का कुछ इस वीडियो में नहीं दस रहा। मैं तुहानूं सिर्फ यह दस रहा कि डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल एंड वी हैल्प पीपल टू रिवर्स इट। सो उस तरह के नुस्खे तो वीडियोज़ बहुत सारिया ने, पर तुसीं अगर एक प्रॉपरली अपनी बॉडी के हिसाब नाल एनालिसिस करा के डाइट के थ्रू अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हो तो ये सानू संपर्क कर सकते हो, एंड जिहड़ी असी ट्रीटमेंट है ऑल अराउंड द वर्ल्ड पेशेंट्स नू देंदे हैगे आ, एंड साडा इंडिया दा नंबर है 9718422691 और कैनेडा दा नंबर जिहड़ा हैगा दैट इज 4167951002। यू कैन सेंड अस अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच।